हे गाइस हेलो। तो काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद हम आज लॉन्ग फॉर्म वीडियो बना रहे हैं आप सबके लिए। ये व्लॉग वीडियो है। अभी है हम आसनसोल के SBSTC बस टर्मिनल में और हम जा रहे हैं करीना में। बस ऑलरेडी स्टैंड से छोड़ चुकी है। अभी हमने आसनसोल से आउट नहीं किया है बस ने। तो ये आसनसोल की मार्केट है, लोकल मार्केट। यहाँ ये आसनसोल जो है जंक्शन है, यहाँ पे हर तरह के होटल्स हैं, हर तरह के मार्केट्स, लोकल मार्केट्स, चीप एंड बेस्ट चीज़ें भी मिलती हैं और बहुत सारे काफ़ी अच्छे अच्छे फेमस रेस्टोरेंट्स भी हैं। तो हमें अगर अच्छी कुछ शॉपिंग करनी होती है या किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है या और हर ट्रेन्स वगैरह जो भी हैं सारे अवेलेबल्स होते हैं आसनसोल से। लेकिन मेरे घर से आसनसोल जो है बाई बस 1 आवर की डिस्टेंस होती है। तो सुबह मैं घर से निकली 6 बजे 7 बजे आई, बस अवेलेबल नहीं थी, सीट्स अवेलेबल नहीं थी, विंडो सीट अवेलेबल नहीं थी। तो मैंने 8:30 बजे की बस ली है आसनसोल टू करुणामय। ये SBSTC बस है। तो यहाँ से अभी हम जा रहे हैं करुणामय, फिर वहाँ से मुझे जाना है जोन बाय द पार्क होटल्स, जो कि बेसिकली ग्रुप होटल्स है बाय APJ सुरेंद्र। सो चलो अभी आगे जैसे जाते हैं आपको बताएंगे कि कौन कौन से लोकेशन पे हम पहुँच रहे हैं। सो फ्रेंड्स, अभी हम पहुँच गए हैं दुर्गापुर, जो कि स्टील सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यस, स्टील सिटी के नाम से फेमस है दुर्गापुर। एंड ये भी जंक्शन है, यहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे होटल्स हैं और आसनसोल से ज़्यादा यहाँ पे जो है रेस्टोरेंट्स हैं, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट्स, फाइन डाइन रेस्टोरेंट्स, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। यहाँ पर भी अच्छे अच्छे बड़े बड़े मॉल्स हैं, आसनसोल से भी बड़े। सो गाइज, इसके बाद आती है बर्धमान। बर्धमान में हमारी बस रुकी, वहाँ हम फ्रेश हुए और जिसे जो कुछ टिफ़िन अगर करना होता है, कुछ ब्रेकफास्ट लेना होता है, कुछ खाने पीने का होता है तो वो कर सकते हैं। बाकी रेस्ट रूम्स भी होते हैं वॉशरूम वगैरह के लिए। सो गाइस, अब ये जो आप देख रहे हैं, हम हाईवे से होते हुए हमारी बस जो है वो हुगली डिस्ट्रिक्ट में घुस गई है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्ट कर दे रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो जाएगी, लॉन्ग जाएगी तो फिर आप लोग भी बोर हो जाओगे। तो अब आने वाला है रविंद्र सेतु। ये लो, आ गया रविंद्र सेतु, देख लो बढ़िया से, यू कैन सी। और धीरे धीरे अब हम बढ़ रहे हैं डानकुनी की तरफ। अब बढ़ेंगे, उसके बाद हमारी बस बागुयाटी होकर, हल्दीराम होकर, दमदम एयरपोर्ट नंबर 1 गेट एंड नंबर 2 गेट होते हुए करुणामय ही जाएगी। मुझे विंडो सीट तो मिल गई थी लेकिन जो डायरेक्ट सनलाइट है ना, डायरेक्ट धूप जो है मेरे बदन पे लग रही थी, मानो जितने विटामिन डी है मेरे ही को ज़रूरत है, मेरे ही बदन में ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, ये अब हम लोग दमदम आ गए हैं और ये दमदम का नंबर 2 एयरपोर्ट गेट है। बहुत ही अच्छा लगता है मुझे ये एरिया, बिकॉज ग्रीनरी है बहुत ज़्यादा, मुझे पसंद है। तो हम अब उतर चुके हैं करुणामय बस स्टैंड से और जस्ट मैं बस स्टैंड में उतरी, वहाँ से बस टर्मिनल से मैंने डायरेक्ट ऑटो जो है रिज़र्व कर लिया, क्योंकि ऑटो रिज़र्व करना पड़ता है। मुझे डायरेक्ट जो है होटल उतरना है, पार्क होटल उतरना है, जो कि है न्यू टाउन एक्शन एरिया 1 नंबर 1, जस्ट विश्व बांग्ला गेट जो है, उसके बाद विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर आता है। विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर इंटीरियरली मतलब इंटरकनेक्टेड है जोन बाय द पार्क होटल के साथ। तो चलो फ़िलहाल मैं ये रास्ते दिखाते हुए आपको चलती हूँ। अभी हम लोग जो हैं सबवे से क्रॉस कर रहे हैं, ऊपर हाईवे है, फ्लाईओवर जो कि कहते हैं, वॉट एवर जो भी है, हमेशा अप्रोप्रियट हम लोग बोल सकें, ज़रूरी तो नहीं है यार। और ये देख रहे हो आप लोग, चारों तरफ हरियाली है, ग्रीनरी है, शोभुज बांग्ला जिसको कहते हैं बंगाली में। सो फनी, नो नॉट सो फनी, राइट। सो चलो लेके चलते हैं, ज़्यादा बकवास नहीं करते, बहुत ज़्यादा बकवास हो गया है। और चलो चलते हैं अपने डेस्टिनेशन के तरफ, तो चल ही रहे हैं और सारा दिन की बहुत ज़्यादा थकावट है। जैसे कि मैंने बताया आप सबको कि सुबह 5 बजे से उठी हुई हूँ और फिर ये वीडियो मैं शूट भी कर रही हूँ, इसे फिर मुझे एडिट भी करना है, मुझे डालना भी है, अपलोड भी करना है, आप लोगों को दिखाना भी है। सो फ्रेंड्स, ये देखो, ये है नजरुल तीर्थ और इसके साथ अटैच है लाइब्रेरी। ये सारे IT सेक्टर्स हैं जहाँ से हम लोग अभी क्रॉस कर रहे हैं। एंड ठीक, अब इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ
हमारी न्यू टाउन एरिया और हमारा होटल। सो फ्रेंड्स, अभी ये जो देख रहे हो ये है विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर। इसी के साथ हमारा जो जोन द पार्क होटल है ये कनेक्टेड है। ये जो आप देख रहे हो अभी स्क्रीन पे ये हमारा जोन द पार्क होटल है और ये एक्सटीरियर है टोटल। अभी आपको नाम भी दिख जाएगा, ये देखो जोन लिखा हुआ है। ये टोटल 116 रूम्स की प्रॉपर्टी है, चेन प्रॉपर्टी है। इसी के साथ वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं दोस्तों। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल को फॉलो करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।